हम खुलासा कर रहे हैं यूपी बोर्ड के नकल माफिया का। बिना परीक्षा दिलाए ही दसवीं में पास कराने की गारंटी ले मास्टरमाइंड का। आपने देखा कि किस तरह आज हाई स्कूल की परीक्षा में 3 सांसद हो गए पास। आइए अब दिखाते हैं कि किस तरह गोरख धंधे की पोल खोलने के लिए स्टार न्यूज कोबरा पोस्ट की टीम ने अपने ऑपरेशन को कैसे दिया अंजाम। नाम ओम प्रभाकर, ठिकाना सैनिक पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, धंधा पास कराने का ठेका। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल और छात्रों की अदला बदली का ठेकेदार, एक ऐसा ठेकेदार जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पास कराने का लेता है ठेका। ओम प्रभाकर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 1-2 छात्र नहीं बल्कि 1-1 छात्रों से भरवाता है फॉर्म। ओम प्रभाकर का अड्डा है फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ का सैनिक पब्लिक स्कूल। वो इस स्कूल का टीचर नहीं है लेकिन जनाब का हौसला ऐसा है कि ताल ठोक कर देते हैं पास कराने की गारंटी। ओम प्रभाकर के काले धंधे की भनक मिलते ही हम उससे मिले और वो राजी हो गया यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में 2 सांसदों के नाम से 2 फॉर्म भरने के लिए। तो मतलब एक तो प्रवेश पत्र बदलने फोटो बदलने से हमारा बच्चा दूसरा कैंडिडेट बैठ जाएगा और दूसरा नकल कहाँ हमें लेके जानी पड़ेगी या वहीं सेंटर वहीं सबको मिलेगी आपसे एक पर्ची भी ना लेके जाओ ठीक है। पास होने की गारंटी है? हाँ, श्योर पास है। पैसा कितना टोटल बता दीजिए कितना लगेगा? बता रहे करके ना 1000 रुपए जो है हम ले रहे हैं नकल का, बस क्या करें, कोई उसमें छिपने वाली बात नहीं। पहला फॉर्म था लोकसभा सांसद नवीन जिंदल के नाम और दूसरा राज्यसभा सांसद बैजयंत जय पांडा के नाम। ओम प्रभाकर को ये जानने में दिलचस्पी जरूर थी कि हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले ये लोग हैं कौन, लेकिन पैसे सामने दिखे तो धंधे की असली बात पर आ गया। ओम प्रभाकर ने पहले नवीन जिंदल और बैजयंत जय पांडा के नाम से 2 एडमिट कार्ड दिलाने का वादा तो किया ही, वो इनके फोटो बदल कर किसी और छात्र को परीक्षा केंद्र में भेजने के लिए सौदेबाजी भी करने लगा। एक तो 1000 इसके अलग मांग रहे, फिर उसके आप अलग मांगोगे? हमने बताया 1000 रुपए निकलना लगेगा। ठीक है, उसके अलावा जो हमने काम बताया 1000 रुपए फोटो बदलने वाला, वो फोटो बदलवा देंगे इसी में? 1000 रुपए नहीं, वो अलग लगे, वो अलग लगे। हाँ, 500 लगते हैं, आप ज्यादा नहीं दरकार, आप सामने हो गए करेंगे और लोगों की बदली जाएंगे। ये दोनों फॉर्म की 1000 ही मांग रहे हैं? 1000 ये बता रहे तो जे आप अभी लिए जाओ नवीन जिंदल वाला। कल आपने सुना कि एडमिट कार्ड पर तस्वीर बदलने के लिए प्रभाकर ने हमसे किस तरह पैसे मांगे ताकि दूसरे को परीक्षा में बैठाया जा सके। उसे चाहिए हर काम के पैसे, लेकिन काम पक्का करने का दावा। परीक्षा से कुछ दिन पहले इन 2 सांसदों के नाम का एडमिट कार्ड यूपी बोर्ड के इलाहाबाद दफ्तर से बनकर भी आ गया और 2 सांसदों के नाम से किसी और से परीक्षा भी दिलवा दी गई। दरअसल स्टार न्यूज कोबरा पोस्ट की टीम को जैसे ही पता चला कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग कस्बों और गांवों में बड़े पैमाने पर नकल के ठेकेदार अब एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर फर्जी छात्रों से परीक्षा दिलवाने में लगे हैं, तो नकल के ठेकेदारों के मुंह से नकाब नोचने के लिए हमने शुरू कर दिया अपना ऑपरेशन। बिना परीक्षा में बैठे ही पास कराने के गोरख धंधे का सबसे पहला सुराग हमें मिला गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय मतापुर के अकाउंटेंट यानी इन सज्जन से। ओम प्रभाकर की काली करतूत को कैमरे में कैद करने के बाद उत्तर प्रदेश में नकल माफिया के सिंडिकेट की पोल खोलने के लिए हमने फैसला किया एक और सांसद मिलिंद देवड़ा के नाम से एडमिट कार्ड हासिल करने का। ओम प्रभाकर ने 2 अलग अलग जगहों से हमारे लिए भरवाया था, लिहाजा काम करने का तरीका जानकर इस बार अपने तीसरे कैंडिडेट के लिए हम सीधे मिले एक स्कूल के संचालक से। नाम प्रमोद शाक्य, संचालक लाल बहादुर इंटर कॉलेज कनकापुर फर्रुखाबाद। हम जा पहुंचे प्रमोद शाक्य के घर। क्या क्या सुविधा क्या क्या मिलेगी? नकल मिलेगी, फोटो बदल जाएगी। फोटो बदल जाएगी, नकल लेके जाना पड़ेगा? खुद लेके जाना है क्या या वहीं व्यवस्था हो जाएगी नकल की?
वही हो जाएगी। लड़का हम अपनी मर्जी से बैठलवा सकते हैं। बुड्ढा मत ले जाना। अच्छा। तुरंत पकड़ लेंगे वो। बाहर वाले। नहीं अब अपनी एज का बैठा लें लड़का। अब जो फॉर्म भरा है उसी के एज का। 3,000 दे दें आप। क्या होता है? 4 दे दो। प्रमोद ने मोल भाव के बाद हमसे 3,000 रुपए ले लिए, लेकिन जब परीक्षार्थी का नाम हमने बताया तो मराठी नाम सुनकर उसे कुछ हैरानी तो जरूर हुई, लेकिन जब काली कमाई के लिए आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हो तो दिमाग पर जोर भला कोई क्यों डाले। फोटो लड़के की हम दे देंगे। शाम को ले आओ। शाम को ले आओ। तब तक ये 3,000 दिए जा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश में नकल के खिलाफ हमारे अभियान में ओम प्रभाकर के जरिए बना नवीन जिंदल और बैजयंत जय पांडा का एडमिट कार्ड और प्रमोद शाक्य ने बनवाया मिलिंद देवड़ा का एडमिट कार्ड। नकल माफिया यूपी बोर्ड की आंखों में धूल झोंककर न केवल इन 3 सांसदों के नाम से एडमिट कार्ड बनवाने में कामयाब हुआ, बल्कि उसने बड़ी चालाकी से फोटो बदलकर किसी और से दिलवा दी परीक्षाएं। स्टार न्यूज के लिए कोबरा पोस्ट संवाददाता के आशीष की रिपोर्ट। और हमारे इस खुलासे में ब्रेक के बाद जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के सचिव और साथ ही साथ एक पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह भी। आप दोनों का स्टार न्यूज में स्वागत है। हम आप दोनों से सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।